आज के इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये वेबिनार आज़ादी के 75 वर्ष आरंभ होने के से पूर्व भारत सरकार की ओर से एक आदेश निर्देश जारी किया गया है, जिसमें आज़ादी का महोत्सव नाम से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी कॉलेजेस को, सभी यूनिवर्सिटीज को और अन्य संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं। आज सनातन धर्म कॉलेज में इस अवसर पर, इस आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस अवसर पर इतिहास विभाग, संस्कृत विभाग और राजनीति शास्त्र विभाग, एनसीसी और एसटीएसटीआरसी सेंटर, सनातन धर्म कॉलेज, स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों पर गीता का प्रभाव, इस विषय पर एक चर्चा करने जा रहा है, जिसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के वो पक्ष जहाँ पर भारतीय तत्व जो हैं वो महत्वपूर्ण रहे हैं उस स्वतंत्रता संग्राम को परिभाषित करने में। सामान्य रूप से सोशल साइंसेज में और इतिहास में उन तत्वों को पढ़ाया जाता है स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में जो बाहर से जिन्होंने अपना प्रभाव डाला, और अभी तक ऐसा कोई भी थीसिस या अन्य विषय हमें देखने को नहीं मिले हैं जहाँ पर भारतीय जो चेतना के तत्व रहे हैं, जिन्होंने भारतीयता को परिभाषित किया है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका क्या योगदान रहा है इस स्वतंत्रता संग्राम में, तो उसको हम आज थोड़ा सा एक पक्ष देखने का प्रयास करेंगे। और फिर उसके बाद इसी को जब हम कंटिन्यू करेंगे और भी इस पर आयोजन करेंगे, स्वतंत्रता संग्राम के भारतीय संदर्भों में जब उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि अन्य अन्य और कौन से ऐसे तत्व हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को परिभाषित किया। तो ऐसी स्थिति में आज हम एक बहुत संक्षिप्त सा एक पत्र मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, जिसके ऊपर हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर आर के गुप्ता जी को, जो कि अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के आर के एस टी कॉलेज में, कैथल में, और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन भी किया है और उसके साथ साथ अन्य विषयों के ऊपर उनकी बड़ी गहरी पकड़ है। तो उसके बाद हम उनके विचारों को सुनेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में गीता का और अन्य सब बातों का क्या प्रभाव रहा है, या उस स्वतंत्रता संग्राम को पॉलिटिकल साइंस के लोग किस दृष्टि से देखते हैं, तो उसके बाद उनकी हम चर्चा सुनेंगे। तो अध्यक्षीय भाषण के रूप में हम इतिहास विभाग की ओर से, संस्कृत विभाग की ओर से, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की ओर से हम उन सब का हार्दिक अभिनंदन करते हैं डॉक्टर साहब का, और हमारे साथ जो श्रोता जुड़े हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सीधे सीधे विषय की ओर हम अग्रसर होते हैं और मैं आप लोगों के साथ पत्र को पढ़ूंगा, और फिर उसके बाद अगर किसी की कोई टिप्पणी होगी, कोई प्रश्न होंगे या कोई सुझाव होंगे तो उन पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि विषय है कि स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों पर गीता का प्रभाव, महाभारत के शांति पर्व 19:8 में युधिष्ठिर अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध शास्त्र विदेव त्वम न वृद्धा सेवितास्त्वया, अर्थात तू युद्ध शास्त्र को ही जानता है, तूने वृद्धों की सेवा नहीं की। इस उक्ति को ध्यान में रखते हुए आप ज्ञान वृद्धों की सेवा के रूप में गीता के प्रभाव को राष्ट्र के जीवन के एक ऐसे पक्ष के संदर्भ में देखने, समझने और विश्लेषण करने का प्रयास है जो विषय न केवल आधुनिक एवं प्रासंगिक है, बल्कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को भी प्रभावित करता है।
और यह विषय है स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों पर गीता का प्रभाव। विचार करने पर कौतूहलपूर्ण और सुनने में विचित्र लगने वाला यह विषय वास्तव में एक प्रयोग है। परंपरागत विषयों की व्यापकता और सूक्ष्मता का विकसित हो रहे नए आयामों के संदर्भ में विश्लेषण करने का, ऐसे विषयों की संगतीकरण को जानने समझने का प्रयास ही इस प्रयोग की आधार भूमि है। क्योंकि कहा भी है, यथा यथा हि पुरुषो नित्यं शास्त्रम अवेक्षते तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते। ये महाभारत के शांति पर्व के 130वें अध्याय का 10वां श्लोक है। अर्थात जैसे जैसे पुरुष पुनः पुनः शास्त्र पर विचार करता है, वैसे वैसे अधिकाधिक जानता है और ज्ञान में रुचि बढ़ती है। और यदि ऐसे ज्ञान में रुचि बढ़े जो व्यवहारिक और यथार्थ से संबंधित हो, तो विषय और भी रुचिकर और प्रासंगिक बन जाता है। ध्यान रखने योग्य बात यहाँ यह है कि सर्वः सर्वं न जानाति सर्वज्ञो नास्ति कश्चन नैकत्र परिनिष्ठा च ज्ञानस्य पुरुषे क्वचित। ये भी महाभारत का वन पर्व का श्लोक है। अर्थात सब कोई सब कुछ नहीं जानता, कोई सर्वज्ञ नहीं है, किसी एक व्यक्ति की में परिसमाप्ति या पूर्णता नहीं होती। अतः उपरोक्त विषय के संदर्भ में उद्यम करना तर्क संगत ही है। उपरोक्त विषय के संदर्भ में यदि हम स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को टटोलें, तो एक विचित्र तथ्य दृष्टिगोचर होता है कि ऐसे क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने प्राणदंड दिया, फांसी दी, उनमें से अधिकांश व्यक्तियों की निष्ठा गीता पर अत्यंत स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन आदि अनेक क्रांतिकारी। ये वे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने गीता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मृत्यु पर्यंत अपने साथ रखा। खुदीराम बोस से जब पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसका उत्तर था कि मरते समय मैं गीता अपने साथ रखना चाहता हूँ। गीता के प्रति ऐसी निष्ठा के बहुत से उदाहरण इतिहास में मिलते हैं जो व्याकुलतापूर्ण प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि गीता के प्रति ऐसी निष्ठा क्यों? राष्ट्र के लिए अपनी आहुति देने वालों ने गीता में ऐसा क्या पाया जिससे वे इतना प्रभावित हुए कि मृत्यु समय में भी केवल गीता की ही कामना की? केवल इतना ही नहीं, गीता के प्रति तिलक, अरविंद, गांधी, विनोबा आदि लोगों की निष्ठा और आग्रह प्रत्यक्ष ही है। और इस बात में कोई संदेह नहीं कि जिसके प्रति व्यक्ति की, समाज की निष्ठा हो, आग्रह हो, वह व्यक्ति और समाज के मूल्यों को, संस्कृति को, जीवन शैली और सोचने समझने के तरीके को प्रभावित तो करती ही है। इस प्रभाव का प्रत्यक्ष उदाहरण हिंदू पंच नाम की 1930 की एक पत्रिका के बलिदान अंक के संपादकीय में स्पष्ट रूप दिखाई देता है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। इसमें लिखा है, जब जब दैवी शक्ति पर दानवी दर्प का प्राबल्य होता है, तभी तब दैवी शक्ति की शुद्ध आंतरिक प्रेरणा उस दर्प का दमन करने के लिए सुप्त आत्माओं में अदम्य उत्साह प्रदान करती है। बीच के और कई पोर्शन है, लेकिन जो हमारे साथ संबंधित पंक्तियां हैं उनको मैं उद्धृत कर रहा हूं। आत्मोद्धार के लिए स्वाधीनता का प्रकाश देखकर हमें अपना कर्तव्य निर्धारित करने में क्या कठिनाई है? वह कर्तव्य हमें ही पालन करना है, और कर्तव्य पालन के लिए हमारे सामने विस्तृत क्षेत्र पड़ा है। जब किसी देश का या जाति की घोर दुरावस्था हो जाती है, तब दानवों के कुटिल प्रहारों से सत्य और न्याय की ध्वनि बंद हो जाती है और धर्म तथा मानवता का सर्वत्र तिरस्कार होता है। तब सज्जन तथा संयमी पुरुष का एकमात्र कर्तव्य हो जाता है कि वह सत्कर्म के लिए बलिदान करें। यही गीता का कथन है, यही गीता का संदेश है। तो ये 1930 की वो पत्रिका है जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया था, सारी प्रतियां इसकी जब्त कर ली गई थी अंग्रेज सरकार के द्वारा, और उसमें ये बड़े स्पष्ट रूप से गीता की प्रभाव को आप देख सकते हैं।
इसी तरह उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, जो अलीपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख षड्यंत्रकारी थे, उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने जो वक्तव्य दिया उसमें अपने क्रांतिकारी होने का प्रेरणा स्रोत गीता का कर्मयोग बताया, और ये भी उद्धृत है पृष्ठ 139 पर। इसी तरह यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, ये जो पुस्तक है, ये जो संदर्भ मैं दे रहा हूँ, ये है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का, सशस्त्र स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास, ये उस पुस्तक से मैंने उद्धृत किया है। इसी तरह यतीन्द्रनाथ मुखर्जी के बारे में प्रसिद्ध है, वह गीता का नित्य पाठ करते और बिना पाठ समाप्त किए अन्य काम नहीं करते, ये 145 पृष्ठ पर उद्धृत है। राम प्रसाद बिस्मिल फांसी से एक रात पूर्व गीता का अध्ययन करते रहे। इसी प्रकार राजेंद्र नाथ लाहिड़ी अपनी फांसी से पूर्व गीता का सतत पाठ करते रहे। श्री रोशन सिंह को जब काकोरी षड्यंत्र में जब फांसी की सजा सुनाई गई, तो फांसी से एक सप्ताह पूर्व उन्होंने अपने मित्र को पत्र लिखा और उसमें गीता का प्रभाव अत्यंत स्पष्ट दिखाई देता है। वो कहते हैं, इस सप्ताह के भीतर ही फांसी होगी, आप मेरे लिए हरगिज रंज ना करें, मेरी मौत खुशी का बायस होगी, दुनिया में पैदा होकर मरना जरूर है। बीच की पंक्तियां छोड़ रहा हूँ, इससे मेरा मुंह छूट गया है और कोई वासना बाकी नहीं रही है। आगे चल के फिर वो कहते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में तपस्या करने वालों की होती है। फांसी के दिन जब उन्हें ले जाया गया तो गीता अपने हाथ में लेकर के गए। इसी प्रकार के और बहुत से उदाहरण क्रांतिकारियों के इतिहास खोजने पर हमें मिल जाएंगे, लेकिन खोजेगा कौन? क्योंकि हमारा जो संदर्भ है वो तो व्यस्त का संदर्भ है, अपने ही अपने को परिभाषित करने का। हमने कभी भी भारतीय संदर्भों में, भारतीय संदर्भ को केंद्र बना करके तो हमने कभी न स्वतंत्रता संग्राम को देखा, न ही हमने यहाँ ज्ञान को उस तरह से परिभाषित किया। अस्तु, इसके साथ ही इस काम को और इस बात को और आगे बढ़ाते हुए, इसके साथ ही 1930 में छपी कविता संग्रह में भी गीता का प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे मधुसूदन ओझा की कविता हिंदू में, मुर्दों में संजीवनी बूटी देकर जान जलाने को, कर्म योग का मंत्र बताकर निज स्वतंत्रता पाने को, कायर हिंदू को मरने का अमर पाठ सिखलाने को, इस तरह की कविता हमें देखने को पढ़ने को मिलती है। इसी तरह मंगल पांडे के लिए लिखी गई छबील दास मधुर की कविता सिपाही विद्रोह का आत्म बलिदान में गीता का प्रभाव बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वो कहते हैं, वीरवर मंगल पांडे, समयातीत कार्य था यद्यपि, पर तेरा वह त्याग कौन कहेगा, किसी स्वार्थवश था तब आत्मविराग। स्वधर्म हित उन्मत्त हुआ तू, होगा यह आक्षेप, यह दूषण है नहीं किंतु है भूषण ही बड़ भाग। ऐसी ही कई कविताएं जिनमें से मुख्य जगदीश झा की बलिदान, बीएल बाबू की सहर्ष हो जाए बलिदान, कुमार बद्री नारायण सिंह की दिनांक, बाल कृष्ण बल दुबा की विप्लवी हृदय आदि में गीता की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। ये सारी की सारी स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर लिखी गई कविताएं हैं। गीता के प्रभाव के बारे में नेहरू अपने ग्रंथ हिंदुस्तान की खोज में लिखते हैं कि विचार और फलसफे का हर एक संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से व्याख्या करता है। संकट के वक्त जबकि आदमी का दिमाग संदेह से सताया होता है और अपने फर्ज के बारे में उसे दुविधा दो तरफ खींचती है, यह रोशनी और रहनुमाई के लिए गीता की ओर झुकता है, क्योंकि संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। राजनीतिक और सामाजिक संकटों के अवसर के लिए और उससे भी ज्यादा इंसान की आत्मा के संकट काल के लिए गीता की अनगिनत व्याख्याएं निकल चुकी हैं और अब भी निकल रही हैं।
विचार और काम के मैदान में आजकल के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी ने भी इसके संबंध में लिखा है और अपनी अपनी व्याख्याएं दी हैं। इस विषय के ऊपर चर्चा मैं समझता हूं कि डॉक्टर डॉक्टर गुप्ता जी अवश्य करेंगे, क्योंकि सभी ने गीता के ऊपर, तिलक का तो बड़ा प्रसिद्ध है कर्मयोग उनका गीता के ऊपर, और अरविंद ने तो गीता के ऊपर लिखे हैं एसेज ऑन गीता, और गांधी तो गीता को साथ ही हर वक्त रखते थे, और आप सभी जानते ही हैं कि हर वक्त उनके साथ वो रहती थी। और अपनी उनकी कोटेशन बड़ी प्रसिद्ध है कि जब कभी भी समस्या आती है तो मैं गीता माँ की शरण में चला जाता हूँ और वहां से प्रेरणा पाकर फिर मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाता हूँ। तो गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है, और लोगों ने इसे अपने कार्य के लिए युद्ध का। इसी संदर्भ में वे आगे कहते हैं कि गीता में खास तौर पर इंसानी जिंदगी की रूहानी जमीन दिखाई गई है। ये जो भाषा मैं बोल रहा हूँ, ये नेहरू की लिखी हुई भाषा है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी भाषा का ज्यादा प्रयोग करते थे जिसमें उर्दू और हिंदी मिक्सचर सा होता था। हालांकि ये बातें भी चर्चा का विषय हैं कि कभी इस तरह की हिंदुस्तानी किस तरह से भारत को परिभाषित करने में कितनी सफल रही है, इस पे भी कभी मौका लगा तो जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन संदर्भ को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि गीता में खास तौर पर इंसानी जिंदगी की रूहानी जमीन दिखाई गई है, और इसी भूमिका में रोजमर्रा की जिंदगी के व्यवहारिक मसले हमारे सामने आते हैं। यह हमें जिंदगी के फर्जों और कर्तव्यों का सामना करने के लिए पुकारती है। काम और जिंदगी को युग के सबसे ऊंचे आदर्श के बमोजिम होना चाहिए, क्योंकि हर एक युग में खुद आदर्श बदलते रहते हैं। एक खास जमाने के आदर्श युग धर्म का सदा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज के हिंदुस्तान पर मायूसी छाई हुई है और उसके चुपचाप रहने की भी हद हो गई है। इसलिए काम में लगने की यह पुकार खास तौर पर अच्छी लगती है। यह भी मुमकिन है कि जमाने हाल के लफ्जों में इस प्रकार को समाज सुधार की ओर, समाज सेवा की ओर, अमली बेगरस देशभक्ति के और इंसानी दर्द मंदी के काम की पुकार को समझा जाए। गीता के बमुजिब ऐसा काम अच्छा होता है, लेकिन इसके पीछे रूहानी मकसद का होना लाजमी है। यह काम त्याग भावना से किया जाना चाहिए और इसे नतीजों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। इसी संदर्भ में गांधी का यह वक्तव्य भी महत्वपूर्ण है कि गीता हमारे हृदयों में चलने वाले द्वंद्वों का वर्णन है। भगवान कृष्ण ने एक ऐतिहासिक घटना का सहारा लेते हुए इस बात की शिक्षा दी है कि मनुष्य को अपना कर्तव्य करने के लिए अपने जीवन की बलि देने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसमें परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करने पर बल दिया गया है, क्योंकि देह की मर्यादाओं में बंधे हम मानव अपने अलावा और किन्हीं के कृत्यों को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। ये गांधी का वक्तव्य है। अपने वक्तव्य में आगे चलकर गांधी की यह स्वीकारोक्ति बहुत मर्मपूर्ण है कि जब संदेह मुझे घेर लेता है, जब निराशा मेरे सम्मुख खड़ी होती है, जब क्षितिज पर प्रकाश की एक किरण भी नहीं दिखाई देती, तब मैं भगवत गीता की शरण में जाता हूँ और उनका कोई ना कोई श्लोक मुझे सांत्वना दे जाता है, और मैं घोर विषाद के बीच भी तुरंत मुस्कुराने लगता हूँ। इसका श्रेय मैं भगवत गीता को देता हूँ। ये पुस्तक है महात्मा गांधी के विचार, और पृष्ठ 88 के ऊपर उनका ये वक्तव्य है। इसी तरह तिलक की गीता रहस्य ग्रंथ जो है, उनकी गीता के प्रति निष्ठा का श्रेष्ठ उदाहरण है, और उनकी स्वराज्य की अवधारणा गीता के दर्शन से स्पष्टतया प्रभावित है। श्री अरविंद अपने गीता प्रबंध के आरंभिक पृष्ठों में लिखते हैं कि गीता तर्क की लड़ाई का हथियार नहीं है। गीता को सर्वसाधारण अध्यात्म शास्त्र या नीति शास्त्र का ग्रंथ मान लेने से भी काम नहीं चलेगा, बल्कि नीति शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र मानव जीवन में प्रत्यक्ष प्रयोग करते हुए ही
व्यवहार में जो संकट उपस्थित होता है उसे दृष्टि के सामने रखकर इस ग्रंथ के प्रभाव को समझना होगा। ये तिलक का वचन है। उपरोक्त सारे तथ्य का प्रयोजन ये है कि गीता ने किस रूप में स्वतंत्रता सेनानियों को प्रभावित किया, और संस्कृत विभाग का ऐसा विचार है कि गीता मूल रूप में आचार शास्त्र है, आचरण के विषय में स्पष्ट निर्देश प्रतिपादन जैसा इसमें है वह किसी को भी प्रेरित कर सकता है, और आचरण करने का हेतु और प्रश्न भी गीता प्रस्तुत कर रही है। सेनानियों क्रांतिकारियों के सामने जब भी प्रश्न फांसी या माफी का रहा होगा तो गीता ने उस द्वंद्व को बहुत स्पष्ट कर दिया कि क्रांतिकारी को मृत्यु चुनने या वरण करने में सोचना नहीं पड़ा। गीता का प्रभाव क्रांतिकारियों पर रहा वह यह था कि गीता ने क्रांतिकारियों को महासाहस वृत्ति प्रदान की, इसलिए बहुत से क्रांतिकारियों ने स्वयं मृत्यु का वरण किया, चाहे वह झांसी की रानी रही या चंद्रशेखर आजाद रहे। इस महासाहस वृत्ति ने लोगों को अपनी ओर ऐसा आकर्षित किया कि पूरे भारत में जन आंदोलन प्रकट हो गया। क्रांतिकारी जनता में उपदेश देने नहीं गए कि तुम क्रांति करो, उन सभी ने स्वयं अपनी आहुति देकर लोगों को कर्म मार्ग पर प्रशस्त कर दिया। इसलिए मन्मथनाथ गुप्त लिखते हैं कि खुदीराम बोस ने के दाह संस्कार पर लोगों की अनंत भीड़ ने उस शहीद की राख को अपने मस्तक पर लगाया जिसका परिणाम सारे देश में उथल-पुथल हो गई। वस्तुतः लोक संग्रह की भावना का निर्वाह क्रांतिकारियों के बलिदानों ने किया जिनके लिए आत्मा अमर थी। शरीर केवल एक पुराने जीर्ण वस्त्र की तरह था जिसे कार्य सिद्धि पर त्यागना ही था। कर्म का चुनाव करने में गीता से जो प्रेरणा मिल सकती थी वह किसी अन्य ग्रंथ से या किसी अन्य स्रोत से मिलनी कठिन ही थी। 12 जून 1897 को शिवाजी का अभिषेकोत्सव मनाया गया था। लोकमान्य तिलक इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि शिवाजी ने अफजल खां को मारकर कोई अपराध नहीं किया। भगवान कृष्ण ने गीता में अपने सगे संबंधियों को मारने की आजादी दी है। यदि कोई मनुष्य परार्थ बुद्धि से यदि हत्या भी कर डालता है तो दोष नहीं। आगे चल के वो कहते हैं इसी संदर्भ में, यदि चोर हमारे घर में घुस आए, ये अंग्रेजों के संदर्भ में कह रहे हैं वो, और हमें पकड़ने की शक्ति नहीं हो तो हम बाहर से किवाड़ बंद कर लें और उसे जिंदा जला डालें। इसे नीति कहते हैं। अंत में उन्होंने कहा, कूप मंडूक मत बनो, भारतीय दंड विधान से यह सबक मत लो कि क्या करना है और क्या नहीं। इसके विपरीत गीता के भव्य वायुमंडल में चले जाओ और महापुरुषों के आचरणों पर विचार करो। ये तिलक के वचन हैं। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास मन्मथनाथ गुप्त ने जो लिखा है ये उसके पृष्ठ 14 पर उद्धृत है। वास्तव में भारतीय जीवन को जिन मानसिक अवधारणाओं ने व्याप्त कर रखा था वे भारत के अवचेतन में संगठित रूप से काम कर रही थी। कर्म सिद्धांत, निस्वार्थ कर्म, यज्ञ कर्म, भक्ति, लोक संग्रह, स्थित प्रज्ञता, ज्ञान की परम पावनता, विश्व रूपता और शरणागति, ये कुछ ऐसी गीता की अवधारणाएं थीं जो भारत के लोक जीवन में जाने अनजाने में बराबर सक्रिय होकर निरंतर प्रवाहित हो रही थी। इस दृष्टि से आंग्ल शिक्षा पद्धति से पूर्व का भारत जो संघर्ष कर रहा था उस संघर्ष की पूर्व पीठिका गीता के श्रवण, मनन और निधि ध्यासन में ही संलग्न थी। इसी को भारत के क्रांतिकारियों ने अपना जीवन दर्शन बनाकर अपने ज्ञान और आचरण एक करके जीना सीखा था। तो ये एक संस्कृत विभाग की ओर से वक्तव्य था स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों पर गीता के प्रभाव के ऊपर।
संक्षिप्त सा ये वक्तव्य था, और इसमें थोड़ा सा प्रयास किया गया कि हम मोटे मोटे थोड़े से स्थूल बिंदुओं को ले लें। आगे जब हम विशेष चर्चा करेंगे इन्हीं विषयों के ऊपर, तो और बहुत सारा जो मटेरियल है इतिहास में, जिसे कभी सामने लाया भी नहीं गया और आने भी नहीं दिया गया, तो उनके ऊपर हम दोबारा कभी चर्चा करेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इसके ऊपर अध्यक्षीय टिप्पणी करने के लिए डॉक्टर आर के गुप्ता जी को, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं पॉलिटिकल साइंस विभाग के RKST कॉलेज कैथल में। मेरा उनसे आग्रह है कि वो इस विषय पर अपने विचार भी हमारे साथ साझा करें और साथ ही अपनी अध्यक्षीय टिप्पणी भी हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर साहब, धन्यवाद आशुतोष जी। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने संक्षिप्त लेकिन बहुत ही सार गर्भित जो अपने वक्तव्य दिया, जिस प्रकार से आपने सभी पक्षों को हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और ये साधुवाद के पात्र हमारी सरकार भी है, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं कि जब हम अपने पूर्वजों के आचरण से प्रेरणा लेते हैं और जो हमारे जीवन को आगे प्रेरित करते हैं। और ये आज जो आपने विषय लिया कि स्वतंत्रता सेनानियों पर भगवत गीता का प्रभाव, ये विषय दिल को छूने वाला है। वास्तव में काफी कुछ आपने बताया कि किस प्रकार से प्रभावित हुए, तो मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हटकर कि भगवत गीता से कैसे प्रभावित हुए आप प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पर एक तो बात ये मैं कहना चाहूंगा कि कुछ नाम जैसे आपने बताया, कुछ नाम हमको भी पता है कि जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व किया, लेकिन मेरा एक मानना है कि स्वतंत्रता संग्राम कोई 100, 200, 500, 1000, 2000 या 1 लाख लोगों का नहीं था। स्वतंत्र संग्राम वास्तव में ये देखा जाए तो समस्त भारतीयों का था, क्योंकि भारत के वो लोग भी जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, उनका भी योगदान रहा। खासकर उन लोगों का भी मैं मानता हूँ कि जो अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे थे, भले उन्होंने सक्रिय भाग ना लिया हो। यहाँ पर मैं जो कहना चाहूंगा सर, सबसे पहली बात कि स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ करने के लिए आवश्यक क्या था, चाहे वो 1857 की क्रांति से शुरू हम करें। सबसे पहले आवश्यकता होती है किसी भी संग्राम के लिए कि व्यक्ति अपने मन की दुर्बलता को त्याग करे, क्योंकि जब तक व्यक्ति के मन में दुर्बलता है तो वो कार्य नहीं कर सकता। और इस संदर्भ में यदि आप देखें, भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवद गीता के दूसरे अध्याय में उनकी ओर से बोला गया, वो दूसरा श्लोक है लेकिन वैसे वो तीसरा श्लोक है, कि जिसमें वो कहते हैं क्लेब्यम मा समगमय पार्थ न तत्व प्रपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परम तप। संक्षेप में यदि मैं कहूँ, आखिरी लाइन ले रहा हूं कि हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो हमारे जहाँ जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, जब अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य कर लिया था, तो सबसे पहली आवश्यकता एक आम नागरिक के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध उस शोषणवादी साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध, शासन के विरुद्ध हृदय की दुर्बलता को त्यागना था। तो गीता का ये जो शाश्वत भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ उपदेश है कि हमें सबसे पहले अपनी दुर्बलता को त्यागना चाहिए और युद्ध के लिए खड़े होने का अर्थ क्या है, यहाँ पर यह नहीं था उनका कि निश्चित रूप से महाभारत था वो, तो युद्ध का अर्थ क्या था कि हमने बुराइयों का विरोध करना है, हमने जो साम्राज्यवादी ताकतें थी अंग्रेजों की उस समय, उसके विरुद्ध युद्ध करना आवश्यक हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे पहला ही उपदेश भगवद गीता में है वो यही है कि हम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाएं, जिससे मैं समझता हूं कि समस्त भारतीय केवल 1857 या 1850 से नहीं, सदियों से
प्रेरित होते रही हैं। भले ही हमने किसी ने भगवद गीता का अध्ययन किया हो या ना किया हो, लेकिन भगवद गीता से हम सभी प्रेरित रहे हैं। अब मैं आता हूं जिसके ऊपर आपने बड़ी विस्तार से चर्चा की, और एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है सर, जो हम पढ़ाते रहे हैं और जिसको मैं सहमत नहीं हूं। और वो क्या है कि हम स्वतंत्र संग्राम को दो भागों में बांट देते हैं, एक क्रांतिकारियों का और एक गांधी जी का, अहिंसक क्रांति। ये असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि क्रांतिकारियों के मन में गांधी जी के प्रति लगाव ना हो, अथवा ऐसा भी नहीं था कि गांधी जी उनको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हो। और यहां पर मैं दो बातें कहना चाहता हूं सर, कि भगवत गीता ने कैसे प्रेरित किया इसके लिए। भगवत गीता के 16वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, यानी कि जिसमें आप देखते हैं कि देवी संपदा के गुण बताए गए हैं कि कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो पहले श्लोक जो है 16वें अध्याय का, उसका पहला शब्द है अभयम। अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित है दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आजर्वम। पूरी डिटेल में जाकर पहले वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, भय का सर्वदा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, अनेक दिए उन्होंने शरीर तथा इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। और दूसरे अध्याय दूसरे श्लोक में ही 16वें अध्याय के वो कहते हैं, अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांतिर पैशुनमय दया भूतेश्व लोपुलप्तम मार्दवम हृदय चापलम। मन वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट न देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने। और जो सबसे बड़ी मुख्य बात कही कि उनमें, यानी कि इंद्रियों के विशेषण योग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना। ये जो दो श्लोक हैं, मैं समझता हूं कि ये क्रांतिकारियों के और गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन दोनों की पूर्णता करते हैं। क्योंकि देखिए, चाहे वो क्रांतिकारी थे या गांधी जी थे, यदि उनके मन में विदेशी या अंग्रेजी शासन के प्रति को लेकर भय होता, तो आंदोलन कर ही नहीं सकते थे, क्रांति कर ही नहीं सकते थे। तो इसलिए अभयम और अहिंसा, ये दो शब्द हैं जो भगवत गीता के वो शब्द हैं, वे गुण हैं भगवान श्री कृष्ण ने बताए कि जिन्होंने हमारे समस्त भारतीयों को प्रेरित किया। जैसे आपने अपने वक्तव्य में बताया कि क्रांतिकारियों को कभी अपने जीवन से मोह नहीं था, क्योंकि उनको अभय था। अभय महात्मा गांधी को भी था, अभय उनके अनुयायियों को भी था। आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि ऐसा नहीं था कि महात्मा गांधी जब आंदोलन कर रहे थे तो उनके ऊपर या उनके अनुयायियों पर लाठियां ना चली हों, गोलियां ना चली हों, लेकिन उस आंदोलन ने आम नागरिक के मन में अभय का संचार किया। वो डरे नहीं, और यही वो प्रेरणा है जो हमारे स्वतंत्र संग्राम के जो नेतृत्व था उनको प्रेरित किया, और जिसको उन्होंने आगे लाए। जैसे कि आपने अपने वक्तव्य में बताया कि तिलक ने जब गीता रहस्य लिखी, वो जेल में लिखी थी, वहां पर पढ़ा। अरविंद ने गीता पर जो लिखा अपना भाष्य, वो भी जेल में ही लिखा था। क्योंकि भगवत गीता के बारे में एक कह सकते हैं हम कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो ऋषि मुनियों द्वारा हैं, लेकिन ये भगवत गीता है जिसे हम भगवान की वाणी मानते हैं, उसका एक सीधा सीधा उपदेश मानते हैं कि हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि भगवत गीता का प्रभाव केवल हमारे स्वतंत्र संग्राम के जो नेतृत्व करने वाले थे, जिनका आपने वर्णन भी किया है बहुत डिटेल में, उनके साथ साथ जो उनके अनुयायी थे, जो उनके साथ उनका अनुकरण कर रहे थे,
वे सब भी भगवत गीता से प्रभावित थे। और इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे आपने बताया कि अनेक क्रांतिकारियों ने तो यहां तक कहा कि जब उनको फांसी की सजा हुई तो भी भगवत गीता हमारे साथ होनी चाहिए, निश्चित रूप से, क्योंकि भगवत गीता कई, यदि आप देखें जैसे कि मैंने आपको बताया कि 16वें अध्याय में कि इंद्रियों के प्रति आसक्ति ना हो, महात्मा गांधी ने तो जो अपनी पुस्तक लिखी भगवद गीता के ऊपर, उसका नाम ही अनासक्ति योग है। क्योंकि जब तक व्यक्ति के मन में अपने प्रति या अपने आसपास की चीजों के प्रति आसक्ति होगी तो वह राष्ट्र के लिए कुर्बानी नहीं देगा, वो कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ आ जाएगा, कहीं ना कहीं उसके मन में मोह आ जाएगा, और इस मोह को ही खत्म करने का नाम भगवत गीता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि स्वधर्म से के पालन से अधिक श्रेष्ठकर कोई नहीं है, और एक पराधीन राष्ट्र में सभी व्यक्तियों का, वो कोई भी हो, किसी भी स्थिति में हो, उसका पहला धर्म ही यह था कि वो उस साम्राज्यवादी ताकतों का विरोध करते हुए स्वतंत्रता प्राप्त करे, स्वाधीनता प्राप्त करे। तो ये जो स्वधर्म था हमारा, जो स्वतंत्रता से पहले सभी भारतीयों का था, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी भगवद गीता में कह रहे हैं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे श्रेष्ठकर कुछ नहीं है कि हम अपने स्वधर्म का पालन करें। तो स्वतंत्रता संग्राम में चाहे वो क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, चंद्रशेखर थे, खुदीराम थे, चापेकर बंधु थे, अथवा महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ अहिंसक आंदोलन था कि जिसमें अनेक पुरोधा हुए, उन सब का एक कॉमन जो स्रोत था, प्रेरणा स्रोत, वो श्रीमद् भगवद गीता ही थी। और आज भी यदि हम देखें, हम जब भी बात करते हैं, अभी कल ही मैं अपने प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था तो उन्होंने भी यही कहा कि प्रत्येक युवा को भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता, जैसे कि आशुतोष जी आपने स्वयं भी कहा उद्धृत करते हुए, कि यह केवल एक शास्त्रीय शास्त्र नहीं है, यह जी तो हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, हमारे आचरण को निर्धारित करने वाला शास्त्र है, जी जिसके लिए हमें केवल स्वतंत्रता से पूर्व ही नहीं, जी स्वतंत्रता के बाद भी आप जब बोलोगे ना, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, उन सभी में निरंतर हमें आत्मविश्लेषण करना होगा, और भगवत गीता वो आधार है कि जिसके आधार पर हम अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक मांग जरूर अवश्य करना चाहूंगा सरकार से कि जी कम से कम वो हमारे विषय वस्तु जो हम पढ़ाते हैं, सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान भी हो, तो कहीं जी ना कहीं हम भगवत गीता का अध्ययन को भी उसका विषय वस्तु बनाए, तो ये सही मायने में स्वतंत्रता संग्राम के प्रति हमारी सही श्रद्धा होगी और हमारे को निरंतर प्रेरणा स्रोत बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और जो आपने ये अंतिम बातें कही हैं कि गीता को जरूर पढ़ाया जाना चाहिए सोशल साइंसेस में, मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ। और बल्कि मैं उसमें एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा कि जो सोशल साइंसेस हैं उनको गीता या अपने भारतीय संदर्भों में भी पढ़ाया जाना चाहिए। अभी तक जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं उसका जो रेफरेंस पॉइंट है, जो मैंने बीच में भी बात की थी, वो सारे का सारा ग्रीक और यूरोप है। हम लोगों ने भारतीय संदर्भों में कभी भी सोशल साइंसेस को विकसित करने का प्रयास नहीं किया और उसके बहुत सारे दुष्परिणाम जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उस पे हम कभी चर्चा करेंगे जल्दी ही, शीघ्र ही। हमारे साथ पॉलिटिकल साइंस विभाग के हेड अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार मदान जी हैं, और मैं उनसे निवेदन जुड़ नहीं करूंगा रहा कि वो दो शब्द कि
इस इस विषय विषय पर, पर क्योंकि यही से बोल दो। हाँ हाँ यहाँ यहाँ पे यही से बोल लिखा दो। है, हाँ डॉक्टर डॉक्टर उमेश उमेश कुमार कुमार। मलान। और थैंक यू केवल मैम। या तो जरूर जरूर। नहीं, हाँ आप थैंक यू बोले। वेरी मच डॉक्टर आशुतोष जी। जैसा कि अभी डॉक्टर आर के गुप्ता जी ने स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों पर गीता का प्रभाव की बात की, सबसे पहले जब इतिहास की बात की जाती है तो इतिहास में प्रत्येक समाज के अंदर एक बात देखने को मिलती है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जैसा कि अरस्तु के द्वारा भी कहा गया था और अरस्तु ने क्रांति का सिद्धांत भी दिया था। जहां तक गीता की बात आती है, महात्मा गांधी जी ने तथा अन्य स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नेतृत्व ने इस प्रकार का प्रयास किया, क्योंकि यदि हम इतिहास के पन्नों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें पता चलता है प्रत्येक समाज में लोगों की आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। व्यवस्था से जब आशाएं और आकांक्षाएं पूरी नहीं की जाती तो लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन और अचीवमेंट के अंदर जब गैप आता है तो निराशा जो होती है व्यक्ति को, हताशा निराशा क्रांति की ओर ले जाती है। और जब क्रांति की बात की जाती है तो क्रांति आमूलचूल परिवर्तन की बात की जाती है, जैसा कि अभी गुप्ता जी ने गीता के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, उसके मन के प्रभाव के बारे में बातचीत की है। तो यहाँ पर यह जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है, किसी भी समाज के विकास और विनाश में नेतृत्व वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और नेतृत्व वर्ग हमेशा क्रांति करने की जब बात करता है तो महात्मा गांधी ने जब क्रांति का दांडी यात्रा की या अन्य प्रकार का कार्य किया, तो यहाँ पर हमें जानना जरूरी है कि महात्मा गांधी ने भारत को गीता के माध्यम से समझने का प्रयास किया, क्योंकि भारत में लगभग 5,93,000 गांव उस समय एग्जिस्ट करते थे, और प्रत्येक गांव के अंदर आपको मालूम है कि जैसे कि हमने शिवरात्रि जी का आयोजन किया है कल, तो शिव जी का प्रभाव देखने को मिलता है। महात्मा गांधी ने गीता के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि यदि हम हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर प्रभाव लाना चाहते हैं, राजनीति के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपनी मांग को मनवाना चाहते हैं, विरोध और विद्रोह करना चाहते हैं, तो हमें 3 इडियम्स ऑफ पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। जैसा कि W.H. मॉरिस जोन्स ने भी किताब में लिखा है कि डायनेमिक्स ऑफ गवर्नमेंट इंडियन पॉलिटिक्स में लिखा है, गुप्ता जी इस बात को भली भांति जानते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स भी जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में 3 इडियम ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर उन्होंने ट्रेडिशनल इडियम ऑफ पॉलिटिक्स को यूज किया, मॉडर्न इडियम ऑफ पॉलिटिक्स को यूज किया, और इसके साथ साथ सेंट्रल इडियम्स ऑफ पॉलिटिक्स को यूज किया। उसने संतों के माध्यम से समाज के अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास किया, और उन्होंने आजादी के अंदर एक बिगुल बजाया, जिसका ये प्रभाव हुआ कि वो अपने सभी कार्यों में सफल हुए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की तरफ से, संस्कृत से, पॉलिटिकल साइंस, एनसीसी, SDHDRD, NT सेंटर की तरफ से, SD कॉलेज की तरफ से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती समय दिया और आपने हमें इतिहास के बारे में, राजनीति के बारे में अवगत कराया, जो कि आने वाले समय में स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए, अकेडमिशियंस के लिए, पॉलिटिशियन के लिए, हिस्टोरियंस के लिए बहुत ही यूजफुल और फ्रूटफुल होगा, जिसके माध्यम से हम अपनी नई परिकल्पना कर सकेंगे और समाज की दशा को एक नई दिशा देने में सक्षम हो सकेंगे। इसलिए डॉक्टर आर के गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वो इतिहास के बारे में और राजनीति के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड लक। धन्यवाद डॉक्टर रमेश मदान जी, आपने बहुत व्यापक दृष्टि से इस विषय के ऊपर अपने विचार रखे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम गीता को समझना चाहें, या मैं कहूँ कि गीता को अगर हम संक्षेप रूप में समझना चाहें, तो 3 शब्द पर्याप्त हैं। एक, बिल्कुल सबसे पहला जो शब्द, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, वो है लोक संग्रह। 3रे अध्याय में ये आता है। दूसरा जो शब्द है सबसे महत्वपूर्ण, वो है स्वधर्म, जिसकी अभी गुप्ता जी भी बात कर रहे थे। तो स्वधर्म जो है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, तो वो धर्म जो है उसके जानकारी होनी चाहिए, और निश्चित रूप से वो रिलीजन के अर्थ में नहीं है। और तीसरा जो शब्द है वो है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञता जब तक आप में नहीं आएगी, तब तक गीता जो है वो आधी अधूरी रह जाएगी। तो इन 3 शब्दों को अगर हम ठीक ठीक समझ लें, तो गीता का सार भी समझ में आ जाएगा, हमें स्वतंत्रता संग्राम के भी वो पक्ष सामने आ जाएंगे, जिसके कारण जो है क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को जो है स्वतंत्रता की बलिवेदी पर यूं ही बड़े सहज रूप में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं इससे पूर्व कि हम इसका पूर्ण करें इस
वेबिनार को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर मदन राठी जी को, जो कि अध्यक्ष हैं इतिहास विभाग के सनातन धर्म कॉलेज में, कि वो इस सारे वेबिनार के लिए डॉक्टर आर के गुप्ता जी का, हमारे साथ जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स का, डॉक्टर रमेश मदान जी का, वो सभी की ओर से, कॉलेज की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करें डॉक्टर मदन राठी जी। सर नमस्कार। आज के आजादी का अमृत महोत्सव, इसके अवसर पर मैं सर्वप्रथम उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा प्रिंसिपल एसडी कॉलेज अंबाला कैंट, प्रोफेसर आशुतोष जी अध्यक्ष संस्कृत विभाग, डॉक्टर रमेश मदान जी अध्यक्ष पॉलिटिकल साइंस विभाग, और विशेष रूप से प्रोफेसर आर के गुप्ता जी का, जिन्होंने हमें आजादी गीता इसका महत्व बताया और इस बारे में हमें बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें सर ने दी, तो इसके लिए मैं गुप्ता सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, और भविष्य में भी इस तरह के सेमिनार के ऊपर हमें आपके विचार सुनने को मिलेंगे सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर मदन जी। धन्यवाद ज्ञापन के साथ आज का ये वेबिनार यहीं पर पूर्ण होता है। मैं समापन शब्द का प्रयोग नहीं करता क्योंकि विचार कभी भी समाप्त नहीं होते, निरंतर अग्रसर होते रहते हैं। तो इसीलिए ये शब्द हमारी संस्कृति का है कि पूर्णता है। इसीलिए आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब भी संस्कृति की बात होती है वो पूर्ण से शुरू होती है और पूर्णता पे ही अग्रसर होती है, और ये जो कुछ भी है वो ही पूर्ण है। लेकिन हमारी दृष्टि जो है वो आधी अधूरी या एक पक्षीय रहती है। तो निश्चित रूप से आज के इस चर्चा से, परिचर्चा से हम सभी की दृष्टि का विकास हुआ होगा, हमारी दृष्टि अग्रसर भी हुई होगी और विकसित भी हुई होगी, व्यापक भी बनी होगी और गहरी भी हुई होगी। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ हम दोबारा इस विषय को पुनः विश्लेषित करने के लिए, समझने के लिए दोबारा फिर जल्दी शीघ्र मिलेंगे। इतिहास विभाग का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत संक्षिप्त समय में और बहुत कम समय में इस वेबिनार का आयोजन किया, और मदन राठी जी का भी धन्यवाद बहुत बहुत कि वो इस तरह के आयोजन करते रहते हैं और निरंतर भविष्य में भी इस तरह के अकादमिक कार्यक्रम वो करेंगे। तो इसी अपेक्षा के साथ मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, और अब इस वेबिनार को हम पूर्ण करते हैं और आप सभी लोग इस मीटिंग को छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही धन्यवाद, पुनः धन्यवाद एक बार। मैच की रिकॉर्डिंग डॉक्टर साहब बंद कर देता हूँ।